अस्सलाम वालेकुम तो आज हम डिस करने वाले हैं आयस इन सोल्यूशन क्या बेसिकली आइंस इन सोल्यूशन है क्या इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल के साथ डिसकस करने वाले हैं अबाउट आइंस इन सोल्यूशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे, है, okay? okay? सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन करते हैं एंड देन वी एक्सप्लेन इन डिटेल ओके ओके सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन करते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है वन आर डिजोल्व इन वाटर जब हम कुछ सब्सटेंस डिजोल्व करते हैं वाटर में ओके okay? they undergo either a a physical or a chemical change that yield ions in solution और इसमें पी या आता है और ये हमें देता है आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते, आप देख सकते हमारे पास ये क्या है ये एक beaker है clear हुआ ये हमारे पास ये एक beaker है और इस beaker में क्या है water है और इस water में मैंने डाला chloride ये क्या है ये substance है मैंने इसमें डाला और इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज आ गया और इसने दिया हमें सोडियम आइंस और क्लोरीन आइंस क्लियर हुआ तो यह है आइंस इन सोल्यूशन ओके तो ये अपने साथ नोट करें देखिए ये जो सब्सटेंसेस है इसमें कंस्टिट्यूएंट होते हैं अजा होते हैं ओके और ये इंपॉर्टेंट क्लास है कि इसका कंपाउंड का और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स द सब्सटेंसेस कंस्टिट्यूएंट्स

सौ परसेंट हमें आइंस दे तो इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं ओके okay? यहां पर आप देख सकते हैं इफ द फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दैट जनरेट द आइंस इजेंशियली सो परसेंट एफिशेंट दिन द सब्सटेंस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सो इसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं क्लियर हुआ तो अपने साथ नोट करें अब बात करते हैं

इट इज कॉल्ड आ वीक इलेक्ट्रोलाइट इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं क्लियर हुआ ओके okay, तो अपने साथ नोट करें क्या वो सब स्टांस जो हमें स्मॉल अमाउंट में आईन दे सोल्यूशन में तो इसको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट ये अपने साथ नोट करें तो अब डिस्कस तो करते हैं कि हमने किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास आया स्ट्रॉन्ग है वीक है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसको हमने किस तरह आइडेंटिफाई करना है देखिए इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं बाई मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का इलेक्ट्रिकल कंड क्या है अगर कम है तो यह हमारे पास क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट है अगर इसका इलेक्ट्रिकल तो कंडक्टेंस क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अगर किसी भी सोलूशन का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं है तो यह हमारे पास क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है क्लियर हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं सबस्टेंस मे बी आइडेंटिफाइड एज स्ट्रग ओके स्ट्रॉन्ग, वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बाई मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या करते हैं हम इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हम मेजर करते हैं ओके? ओके? ऑफ कंटेनिंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आ मोस्ट कंटेन फ्रीली मोबाइल चार्ज स्पीशीज ओके वो सबस्टांस किसमें मुश्तमिल होते हैं फ्रीली मोबाइल चार्ज स्पीशीज़ पे मुश्तम होता है ये क्लियर हुआ कि हमने किस तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग है वीक है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं बाई वॉट बाई मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कि इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है कम है ज्यादा है या नहीं है अगर सबसे ज्यादा है इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मीन्स के ये क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है अगर कम है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है और अगर इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है यह अपने साथ नोट करें क्लियर हुआ ओके तो अब डिस्कस करते देखिये ओके देखिए आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी वायर में इसका कंडक्शन होता है

इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है ओके okay? तो ये अपने साथ नोट करें के इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के जरिए और सोलूशन में किसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है के जरिए तो ये अपने नोट करें सोल्यूशन में आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ दे कंटेन डिजोल्व आइंस अगर इसमें डिजोल्व आइंस हो तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है अदरवाइज इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है अगर इसमें ना हो, ओके तो ये अपने साथ नोट करें जिस तरह होता है, तो solution का कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होता है मतलब यह है कि कंसंट्रेशन ऑफ आइंस और इलेक्ट्रिसिटी सोलूशन का क्या है आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है के, uh, के अगर आप आइंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करें सोल्यूशन में तो इसका इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्रीज होता है मींस कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होता है ओके इसका कंडक्टिविटी क्या होता है इंक्रीज होता है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी और आयंस कंसंट्रेशन ओके कि अगर आप आयंस कंसंट्रेशन इंक्रीज करें तो इसका कंडक्टिविटी क्या होता है इंक्रीज होता है ओके तो अपने साथ नोट करें ओके तो यहां पर आप देख सकते हैं ओके तो ये हमारे पास क्या है <laughs> पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक है पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ओके ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव है और ये भी नेगेटिव है ओके नो कंडक्टिविटी इतानोल का कंडक्टिविटी नहीं है और के सी एल का हाई कंडक्टिविटी है और एसिटिक एसिड का एसिटिक एसिड स लो कंडक्टिविटी है वजह क्या है कि इसका कंडक्टिविटी नहीं है और इसका हाई कंडक्टिविटी है के का और एसिटिक एसिड acid का सोलूशन का लो कंडक्टिविटी है वजह क्या है इसका वजह यह है देखे, कि इसमें क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है और इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है ओके okay? ये अपने साथ नोट करें देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाइंग वोल्टेज टू इलेक्ट्रोड्स जब हम क्या करे? करें वोल्टेज अप्लाई करें टू इलेक्ट्रोड्स

ओके इंक्लूडेड इन द सर्किट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंक्लूड किया गया है या नहीं सर्किट में ओके okay? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बल्ब इसमें है ओके ओके इस सर्किट में है okay? okay? इसमें ब्राइटनेस नहीं है वजह क्या है वजह ये है कि इसमें इथानॉल नो कंडक्टिविटी है मतलब ये है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इथानॉल ओके okay? इस तरह के सीएल का जो कंडक्टिविटी है सॉरी सो, क्वालिटेटिवली जब हम इसका मेजर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो ब्राइटनेस है वो सबसे ज्यादा है पर आप देख सकते हैं ओके है, uh, है, okay? तो अपने आप देख सकते हैं okay. okay, तो आप देख सकते हैं सोल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सच एज एथनोल ये जो एथानोल है सोलूशन ओके डो नॉट कन कंटेन डिजोल्व आयन तो इसमें डिजोल्व आयन है नहीं तो इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है ओके okay? तो आपने नोट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो इथेनॉल में नो no कंडक्टिविटी होता है वजह क्या है कि इसमें क्या नहीं है डिजोल्व आयन नहीं तो इस वजह से इसमें कंडक्टिविटी नहीं है किसका इलेक्ट्रिसिटी का ओके 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 सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट आइन ओके दैट परमिट दिसिटी तो यहाँ पर आप देख सकते कि इस सोल्यूशन में क्या है यह सोल्यूशन किस पे मुश्तम है आइंस पे मुश्तम है तो यह परमिट करते यह परमिट करता है दैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओके वो सोल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट मुश्तमिल हो किस पे आइंस पे तो ये परमिट करता है पेसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके okay, ये परमिट करते हैं क्या पेसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लियर हुआ ओके ओके द कंडक्टिविटी ऑफ अन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ये जो कंडक्टिविटी है किसका का ओके okay, सोल्यूशन में ये रिलेटेड है किसके साथ टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ ओके दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आइंस इन सोल्यूशन मैंने आपको ये किया कि है बेसिकली है क्या ओके आइंस हमारे पास थ्री uh, टाइप्स है वन इज मीन्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट तो मैंने आपको ये भी डिसस किया कि हमने किस तरह इसको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है इसका इटानॉल में नो no कंडक्टिविटी है वजह क्या है कि इसमें नहीं है वजह है कि इसमें डिजॉल्व आई नहीं है के सी एल हाईली मीन्स इसका हाईली कंडक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एसिटिक एसिड क्या है एसिटिक एसिड है वीक इलेक्ट्रोलाइट और इसका जो कंडक्टिविटी है वो लो है ओके तो इससे आप नोट्स तैयार कर सकते हैं ओके मैं तो आपको स्लोली शो करता हूँ ताकि आप इसे बेहतर नोट तैयार करें ओके नेक्स्ट पेज